ये तो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच लग रहा है भाई। बाबर भाई 99 पे खेल रहे हैं। कैच छोड़ दिया, कैच। जैसे ही आपके भाई ने कहा कि कुछ कर लो धानी, धानी ने बॉल मार दिया। जब मोइन भाई एक का मजाक था, 2-3 का मजाक नहीं था, बस एक काफ़ी था, बस वहाँ तक थी दोस्ती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहनों और भाइयों, मैच देखने का इरादा है। मैं और राशिद भाई जा रहे हैं मैच देखने पाकिस्तान और इंग्लैंड का। मैं तो कोई 17-18 साल बाद जा रहा हूँ। और राशिद भाई आप कितने साल बाद जा रहे हैं? तकरीबन कोई 40 साल के बाद। कितने का है? 150 रुपया। अबे नहीं यार, 120 दे दे। नहीं, अगले 14 अगस्त तक चलेगा ही नहीं है। 14 अगस्त तक 100 रुपये दे दो। एक्सपो सेंटर की पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ी कर दी है। अल्लाह तवक्कल, पैदल जाने का इरादा है यहाँ से स्टेडियम। भाई पहला चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया। ये मेरे हाथ में टिकट है और NIC। भाई फाइनली हम आ गए हैं नेशनल स्टेडियम के अंदर। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि लाखों लोग नहीं हैं बल्कि हज़ारों लोग हैं। और सामने इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है। देखते हैं मैच का क्या रिजल्ट होता है। भाई इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और बैटिंग का गलत फैसला कर दिया है क्योंकि आज पाकिस्तान ने जीतना है। भाई हसनैन भाई पहली बॉल कराने के लिए रेडी हो चुके हैं। क्राउड का शोर बताएगा। और ये पहली बॉल पे ही मिस फील्ड हो गई है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सामने से देखेंगे तो बॉल बिल्कुल करीब से गुजरी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर रिप्ले भी देख सकते हैं। बॉल आई और ओ बॉल हसनैन, गुड बॉल। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई विकेट नहीं गिरी, बस 1 रन हुआ है। ऐसी जज्बाती हो रही है कौन। पहला ओवर ख़त्म हुआ है, सिर्फ 3 रन बने हैं, 3 रन। अब जो है वो बॉलिंग आई है नवाज की। नवाज से ओपन कर रहे हैं। कैच छोड़ दिया है बाउंड्री के बाहर और छक्का हो गया है। धानी कुछ कर लो धानी। धानी भाई ने विकेट ले ली है। जैसे ही आपके भाई ने कहा कि कुछ कर लो धानी, धानी ने बॉल मार दिया है। धानी भाई पब्लिक समझ रही है 2 बॉलों में 2 विकेटें ले ली तो हर बॉल में विकेट ले, हर बॉल में विकेट लेगी तो जो मलका के गम में बेचारे आए हुए हैं वो क्या करेंगे? उनको खेलने का मौका तो दो। राशिद भाई इस बॉल पे क्या होने वाला है? इस बॉल पे डॉट बॉल होगी। राशिद भाई कह रहे हैं ये होता है तजर्बा, तजर्बा राशिद भाई, तजर्बा। हारिस 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 हारिस। राशिद भाई 80 रन 10 ओवर, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया है इन्होंने। मैंने जिस तरह स्टार्ट लिया था तो ये आगे जाते हैं क्योंकि फाइनल स्कोर क्या होगा? ये तकरीबन 170-80 के दरमियान जाए, 170-180 के दरमियान होगा और वो पाकिस्तान चेस कर लेगा इंशाल्लाह। चार बोल्ड मार दिए, दो धानी भाई ने, एक हारिस भाई ने और एक मोहम्मद नवाज शरीफ ने। लास्ट टाइम जब मैं नेशनल स्टेडियम आया ना तो शुएब अख्तर ने 6 विकेट ली थी। इतना पुराना हूँ मैं, इतना पुराना लगता नहीं हूँ ना मैं, इतना पुराना हूँ। आज भी 4 बोल्ड हो चुके हैं, 4 बोल्ड, यानी कि नेशनल स्टेडियम जो कि विकेट बैटिंग है, जब आपका भाई आता है तो फिर पाकिस्तान विकेट लेता है। साई धानी भाई बॉल करा रहे हैं, 111 रन हैं, 4 विकेटें गिर गई हैं। धानी भाई ने 2 बोल्ड मारे हैं, इंशाल्लाह अब ये तीसरा बोल्ड मारने वाले हैं। कभी ना कभी तो मारेंगे ना, कोई मसले वाली बात नहीं। ओ बहुत लंबा छक्का मारा है, अपने भाई ने मारा है मोइन अली ने, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अपने दिल के करीब है वो यार। मोइन भाई ने छक्का मारा है, अगली बॉल पे देखते हैं वो क्या करते हैं। मोइन भाई ने, जब मोइन भाई 1 का मजाक था, 2-3 का मजाक नहीं था, बस 1 काफ़ी था, बस वहाँ तक थी दोस्ती। अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, टफ हो रहा है। मोइन भाई अगली बॉल पे ख्याल कर गए, ठीक है। ये क्राउड की वजह से छोड़ा है, बॉल आने से पहले धानी बोले जा रहे, वो पीछे पलट के देख रहा है। 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई है, ये क्या चल रहा है भाई? ये जो है ना, इसको जा रहा है अभी 190 प्लस जाएगा भाई, 190 प्लस की प्रेडिक्शन हो गई है। 170 180 से 190 हो गया प्रोजेक्टेड स्कोर। ऐसा लग रहा है कि हम ब्राइन लारा क्रिकेट खेल रहे हैं, बोल्ड पे बोल्ड पे बोल्ड पे बोल्ड पे बोल्ड, 5 बोल। कैच छोड़ दिया, कैच खुशदिल ने, कैच छोड़ दिया। बताओ खुशदिल की कितनी तारीफ कर रहे थे यार, खुशदिल हमारा फेवरेट है लेकिन कैच छोड़ दिया। अरे यार 2 ओवर रह गए और 172 रन हो गए हैं, 200 अभी भी बन सकते हैं। खतरनाक टाइम आ गया पाकिस्तान के लिए। लंबा 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 छक्का। हम मोइन भाई का ख्याल कर रहे हैं और मोइन भाई हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहे। 3 छक्के, 4 चौके, 49 पे पहुंच गए 37 बॉलों पे। मोइन भाई थोड़ा सा ख्याल। लास्ट बॉल 193 स्कोर है। दिमाग कह रहा है कि इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन दिल कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर 1 बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और नंबर 2 बैट्समैन बाबर आजम दोनों क्रीज पर हैं। 200 रन चाहिए, सिंपल इक्वेशन है। 20 ओवर में 10 पर ओवर। ये मेरी बात पे तालियां हुई हैं। पाकिस्तान की चीटिंग, दूसरे एंड से स्पिनर लगा दिया। बहुत होशियारियां दिखा रहे हैं लोग। स्लो करा रहे थे, स्लो। बाबर भाई खड़े हैं सामने, ऐसी बात नहीं है। भाई रिजवान का सिग्नेचर शॉट, सिग्नेचर शॉट, क्या बात है भाई। 5 ओवर हो गए, 46 फॉर नॉट है और इंग्लैंड के थे 42 फॉर नॉट 5 ओवर में। कैच छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया। एलेक्स हेल्स ने छोड़ा है भाई, खुशदिल भाई ने छोड़ा तो क्या हुआ यार, एलेक्स हेल्स भाई ने भी छोड़ दिया। ये बराबर हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। खुशदिल शाह ने भी छोड़ा, एलेक्स हेल्स ने भी छोड़ दिया। लेकिन दोनों खिलाड़ियों के अंदर ज़मीन आसमान का फर्क है। जैसे कहते हैं ना, जख्मों पर नमक छिड़कना। पिछली बॉल पे कैच छूटा और अगली बॉल पे ग्राउंड से बाहर। अच्छा भाई, पावर प्ले हो गया और 59 स्कोर है। बाबर 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 बाबर। भाई 10 ओवर 87 रन हैं, यानी कि 113 रन चाहिए अगले 10 ओवर के अंदर। राशिद भाई, किस तरफ जा रहा है मैच? मैच इक्वल है, इक्वल जा रहा है मैच। बहुत मोहतात तबसरा रिजवान भाई की 50। ग्रेट शॉट, ग्रेट शॉट, ग्रेट शॉट बाबर भाई। 100 रन हो गए हैं, कोई विकेट नहीं गिरी है, 12वां ओवर चल रहा है। बाबर की 50, एक्सीलेंट। ओ खेल दिया, ओए ओ खेल दिया, खेल दिया, खेल दिया पाकिस्तान वाला मैच लग रहा है, जिसमें 10 विकेटों से जीता था पाकिस्तान ने। कोई मैच याद आ गया दोबारा। पाकिस्तान 5 पे 2, अब सबर नहीं हो रहा, सब अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए भाई। 1 रन, 4 बॉले। नेशनल स्टेडियम से निकल आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर था, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अमेजिंग मैच हुआ। मतलब लगातार बोल्ड पाकिस्तानी टीम ने मारे और लगातार छक्के और चौके मारे और 10 विकेटों से, जैसे हमने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर हराया था, आज हमने इंग्लैंड को 10 विकेटों से हराया। बहुत ज़बरदस्त मैच, मज़ा आ गया।